तो आप देख रहे हैं सरपंच यहाँ पहुँचे हैं देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं उनके द्वारा गांव नाटोड़ी में मौजूदा सरपंच को लेकर बयानबाजी की गई थी। मौजूदा सरपंच उनके कार्यक्रम में नहीं पहुँचे थे और यही कारण रहा कि देवेंद्र सिंह बबली ने बयान दिया और कहा कि राइट टू रिकॉल कीजिए। और अब सरपंचों का कहना है कि लगातार देवेंद्र सिंह बबली उनका जो अपमान है वो कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं फतेहाबाद के डीसी से मिलने के लिए सरपंच, और इनका गुस्सा है और इनका कहना है कि 23 जनवरी को बिड़ाई खेड़ा गांव में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उसको लेकर सरपंच विरोध करेंगे। वहां जाकर गांव बिड़ाई खेड़ा में जाकर जो कार्यक्रम है वहां पे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं ये भी सूचना है, तो उसका भी विरोध जो है वो किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ लघु सचिवालय में पहुंचे हैं सरपंच, डीसी के प्रवासी पर खड़े हैं सरपंच देने के लिए पहुंचे हैं। क्या मामला था जी, किस बात को लेकर डी साहब से पास पहुँचे हैं? मैं सर किसी काम से राजस्थान गया हुआ था, हमारे को रिलेटिव है मतलब बीमार थे बीकानेर एडमिट, उनसे मिलने के लिए गया हुआ था और मंत्री के भाई का फ़ोन आया कि आपके गांव में प्रोग्राम है रामदेव मंदिर के आगे तो आपको पहुंचना है, मगा जी ज़रूर पहुंचेंगे। उसके बाद में उन्होंने मतलब प्रोग्राम वहाँ से कैंसिल करके पूर्व सरपंच रविंदर धानिया जी के घर पर प्रोग्राम कर दिया, और वहाँ पे आके मंत्री जी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार और द्वेष भावना रखने के प्रति उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, और जो रविंद्र धानिया जी है उन्होंने चुनाव के वक्त हमारी पूरी खिलाफत की थी और मेरे अपोजिट कैंडिडेट था जो उसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी, हमारी उनके साथ बनती नहीं है, और मैं ऐसी समाज से हूँ और बबली जी ने आपका खुद का कैंडिडेट उतारा था और उसकी जितनी हुई उसकी मदद की इलेक्शन के अंदर उसको जिताने के लिए, लेकिन वो एक वोट से हार गया, और ये मतलब द्वेष भावना रखते हुए मेरे साथ मतलब गांव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है, और मंत्री जी के जो आदमी हैं वो मुझे दबाने के प्रयास कर रहे हैं, और हमने अभी तक एक ईंट भी गांव के अंदर नहीं लगाई है, जिससे हमने तो अभी तक मतलब काम ही शुरू नहीं किया है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है और गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं लेकिन भाई जो मनरेगा लेवल का काम होता है सरपंच अधिकारिक क्षेत्र में आता है वो मंत्री जी के आदमी हैं जो वो खुद करना चाहते हैं और वो फिलहाल कर रहे हैं, उन्होंने काम भी नहीं निकलवाया है और मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो काम हम करेंगे, और जो काम गांव के अंदर चल रहा है उस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ, और ये बात मैंने विनोद जी जो बबली का भाई है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, मैं कल को अगर ये लो लगाए सोना लगाए मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन वो भी मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो। कौन कह रहा है जी आपको? ये विनोद बबली विनोद मंत्री जी का भाई कह रहा है, ये फोर्स कर रहे हैं सर। तो आज आप ये शिकायत नहीं पहुंचे इस मामले में? हाँ, और जो मेरे ऊपर है मंत्री जी के द्वारा दाग लगाए गए हैं गाँव के अंदर, और मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज की छानबीन करके मुझे न्याय देने का काम करें, और हम मिलकर है जो मिलन समारोह है 23 तारीख को हम बुन्ना ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं जितने उनका खुलकर विरोध करेंगे, और जो मेरा अपमान किया गया गांव के अंदर है जब तक मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफ़ी नहीं मांगते हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे और गांव के अंदर बढ़ने का बहिष्कार। रंजिश भी है क्या जी मंत्री जी के साथ? आप बताए भी आप बीजेपी से समर्थित हैं। हाँ, मैं बीजेपी के पार्टी में बीजेपी पार्टी का हूँ, और पिछले दिनों सुभाष बराड़े जी ने तिरंगा यात्रा की थी जिससे हमने घर के अंदर प्रोग्राम भी किया था, लेकिन उन्होंने अपना खुद का कैंडिडेट उतारा था मंत्री जी ने तो वो एक वोट से हार गया, जिससे उन्होंने मतलब मेरे से द्वेष भावना रखते हैं वो। एसपी और डीसी दोनों को शिकायत दे रहे हैं? हाँ, हम एसपी और डीसी को दोनों को शिकायत दे रहे हैं और अपने आदमियों से धमकी भी दिलवा रहे हैं और मुझे जान का भी खतरा है। कौन धमकी दिलवा रहा है जी आपको? सस्पेंड करवाने की धमकी दे रहे हैं, अभी हम दोबारा चुनाव करवा देंगे वो कर देंगे, और राइट टू रिकॉल का मतलब है वो डरा धमका रहे हैं, और एक वोट की तो कोई वैल्यू नहीं होती। जान का खतरा भी है जी? हाँ, जान का खतरा है जी। तो और कोई मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सीएम साहब से कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर मुझे न्याय देने। और भी सरपंच आपके साथ हैं जी? हाँ, ये सरपंच साहब है खासा पटाना से, श्री मांगेराम जी गुजारा, ये चंद्रमोहन कोटलिया जी डांड से सरपंच है। ठीक है, जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा सरपंचों की प्रतिष्ठा और जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम लगातार हर एक स्टेज पे किया जा रहा है,
मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और भट्टू ब्लॉक एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से हम भाई के साथ खड़े हैं। इनका जो हमने भी जो वीडियो देखी उनमें कहा जा रहा है राइट टू रिकॉल का आप कीजिएगा, 50% लिख के दीजिएगा, राइट टू रिकॉल करते हैं। चलो एक आदमी किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो किसी, और उस तरह से सामुदायिक तौर पर अगर किसी गांव के अंदर, अगर मेरे गांव के अंदर मेरे किसी सामने दूसरे पक्ष के लोगों के अगर किसी मंत्री का या किसी सरकार के आदमी का कार्यक्रम किया जा रहा है तो उसमें ये मेरी स्वैच्छिक इच्छा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं इस चीज में। राइट टू रिकॉल का पहले तो मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपने अपना ये परफॉर्मर राइट टू रिकॉल का पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो इस परफॉर्मे को पढ़िएगा। राइट टू रिकॉल एक साल तक, अगर हम प्रतिनिधि गांव का चुनते हैं तो उसके एक साल तक राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है तो सबसे पहले 33% लोगों के द्वारा लिखित में देना होगा और 67% की वोटिंग होनी चाहिए। और अगर वो एक साल के बाद ये वोटिंग होती है और वो उसमें पूरा नहीं किया जा सकता तो एक साल तक फिर राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। ये राइट टू रिकॉल का नाम पढ़ लिया इन्होंने, मेरे ख्याल साइन किए हुए हैं, शायद परफॉर्मे का पता नहीं है, पता कीजिएगा। राइट टू रिकॉल अगर गांव के लोग एक साल तक हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, हमें राइट टू रिकॉल का अगर आप कह रहे हो राइट टू रिकॉल कीजिएगा, आपने हमें अभी तक दिया क्या है? राइट टू रिकॉल किस बेस पे कर रहे हो? हमने काम में कौन सी घटिया सामग्री का यूज कर दिया है? गांव की कौन से नियमों का, कौन से पंचायती राज के नियमों का उल्लंघन कर दिया कि राइट टू रिकॉल का? ये सरपंचों को डराने धमकाने की धमकियां जो दी जा रही है ना, ये नहीं चलने देंगे। और हम ये मीडिया के माध्यम से, आप सभी बंधुओं के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं, 23 तारीख को सीएम साहब का प्रोग्राम बता रहे हैं मधुर मिलन समारोह, हम उसका पूरे तौर पर फतेहाबाद ब्लॉक फतेहाबाद सरपंचों की तरफ से तो इसका विरोध किया जाएगा। हमारी कोशिश दूसरे गांवों के दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों को जोड़ने का है। हम खुले तौर पर मंत्री जी की इस प्रोग्राम का विरोध करेंगे और जब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक हमें हमारे मान सम्मान को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से हमें अलग अलग बात में मतलब उदाहरणों के तौर पर समझाया जा रहा है कि इन्होंने पीछे मेरे पास ये एप्लीकेशन आई और आई, या पीछे प्रोग्राम था उसमें भी इस तरह का काम किया गया। आप एक मंत्री पद की गरिमा रखिएगा, मंत्री पद की गरिमाओं का आप ये देख के भी मैं पंचायती राज मंत्री मुझे बनाया गया है तो आप सरकार के कलीग है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी बात आपके माध्यम से रखेंगे। आप हमारी बात सुनने की बजाय हमें धमकाने का प्रयास करें, यह कतई नहीं चलेगा। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये कह भी देना चाह रहा हूँ, हम 23 तारीख को जो मधुर मिलन समारोह है उसका पुरजोर विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो वहाँ जाके विरोध किया जाएगा आपके द्वारा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध नहीं है, ये किसी मतलब किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी संगठन का विरोध नहीं है। ये एक सिर्फ और सिर्फ जो तानाशाही, ये मतलब मेरा ये जो सरपंच साथी है नाडोड़ी से, चाहे ये एक वोट से जीता है चाहे 1000 वोट से जीता है, ये क्या कहने का तात्पर्य क्या है एक वोट से जीता हुआ? ये आज गांव ने इनको मैंडेट दिया, जनप्रतिनिधि है, कौन पूछता है आप 45,000 वोट से जीते हो, आप 2,000 वोट से जीते हो? कोई नहीं पूछता, इनको जनता ने मैंडेट दी है, ये अपनी मतलब जो इनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो भी इलेक्शन प्रक्रिया है, इनको पूरा करके ही सरपंच बने, ना कि एक वोट का या 10 वोट का। इसमें तो मांग यही है कि माफी मांगे पंचायत मंत्री। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, इस तरह सरपंचों को डराया धमकाया जा रहा है राइट टू रिकॉल का एक मतलब। और ये सरपंच साहब भी बता रहे हैं, अगर ये मेरी स्वैच्छिक इच्छा है मैं किसी के कार्यक्रम में जाऊं या ना जाऊं। आप कह रहे हो भी अधिकारियों के बिना कुछ नहीं है, हम कब कह रहे हैं अधिकारियों के बिना कुछ नहीं है? अगर आप काम करवाओगे तो ठीक है, नहीं भास्ते को बाण, वही बात है हमारी भाषा में, भास्ते को बाण बराबर है, एक साल बाद में आपका इलेक्शन आ गया। ठीक है सर, सरपंच अकेले को ये बात नहीं कही है, ये हम सारे स्टेट के सरपंचों सबको ये बात कही है और हमारा सब सरपंचों का ये कहना है कि मंत्री जी हमारे पास आए और हमसे माफी मांगे। ये अकेले इनकी बात नहीं है, पूरे सब सरपंचों की बात है, हमारी पंचायत की सबसे छोटी इकाई है, हमें भी लोगों ने जिताकर ही यहाँ पर सरपंच बनाया है और इनको हमारे से थोड़ी बड़ी पंचायत है तो इनको भी लोगों ने जिताया है, तो हमारा पद भी कोई कम पद नहीं है, संवैधानिक पद है और हम इनसे बबली जी से कहते हैं कि हमारे पास आके माफी मांगे तो अदरवाइज इनके मधुर मिलन समारोह का हम बहिष्कार करेंगे और पूरे स्टेट के सब सरपंच साथ हैं।